दर्शकों, एकजुटता की बात की जा रही है, लेकिन जातिवाद में बांटा जा रहा है, उसका भी इलाज योगी आदित्यनाथ ने कर लिया है। इतना ही नहीं, जो देश विरोधी है उनका इलाज भी योगी आदित्यनाथ ने पूरा तैयार कर लिया है। जो कट्टरपंथी हैं उनका भी पूरी तरह से इलाज योगी आदित्यनाथ के पास है। और इसी तरह से अचूक निशाना वो लगा रहे हैं उन शक्तियों पर जो देश में बहुत बड़ी साजिश कर रही है दर्शकों। लेकिन इसमें सियासत भी है, और आपको याद होगा समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने 2027 में सरकार आने के बाद क्या कहा कि बुलडोजर गोरखपुर भेज देंगे। लेकिन वो शायद ये भूल गए हैं कि जिस गोरखपुर को वो बुलडोजर भेजने की बातें कह रहे हैं वहां योगी आदित्यनाथ हैं। और ये गोरखपुर की तस्वीर है, उस गोरखपुर का नाता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से देख लीजिए। आज की तस्वीर दिखा रहा हूं आप, गोरखपुर समेत उत्तर प्रदेश की ढाल है योगी आदित्यनाथ। वो कहते हैं गोरखपुर की इन तस्वीरों को देखिए और समझिए कि जिस तरह सीएम योगी का निशाना अचूक है, देश विरोधी अपराधी भी उनकी नजर से बचने वाले नहीं है। और गोरखपुर में बुलडोजर भेजने का सपना सियासी पार्टियां देख रही हैं, लेकिन हाथों में राइफल लिए योगी आदित्यनाथ निशाना लगा रहे हैं। और साथ में मौजूद है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, जिन्होंने शूटिंग में भी हाथ आजमाए। और दोस्तों बड़ी बात बता रहा हूं आप, गोरखपुर में सैनिक स्कूल के कार्यक्रम में राष्ट्रपति और योगी आदित्यनाथ पहुंचे, पुरानी यादें भी उन्होंने ताजा की, बल्कि आज उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ में कसीदे पढ़े। धनखड़ ने बताया कि 2017 से पहले आखिर कैसे यूपी डर की चपेट में था माफियाओं से, अपराधियों से, लेकिन योगी के लॉ एंड ऑर्डर ने यूपी की तस्वीर को बदल दिया है। कैसे बदला है, कैसे चमत्कार किया है, खुद उपराष्ट्रपति बता रहे हैं, सुनिए जरा। 3 वर्ष में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतना शानदार चमत्कारी कार्य कर दिखाया, मैं चमित नहीं हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो आपने चमत्कारी कार्य किया है जिसकी खूब सदगर है। दर्शकों, देश के उपराष्ट्रपति इस बात को कह रहे हैं, सोचिए जरा कि योगी के राज में प्रदेश की स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। जो दर्शक हमें सुन रहे हैं वो खुद सोचे, वो सीएम योगी के अचूक निशाने का लोहा मान रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कौन है, अखिलेश यादव है, जिनकी बदमाश मंगेश यादव के एनकाउंटर पर राजनीति खत्म होने का नाम नहीं ले रही। वो सीएम योगी आदित्यनाथ को नीचा दिखाने के चक्कर में रोजाना कुछ ना कुछ ऐसा बोल रहे हैं, ऐसी टिप्पणियां कर रहे हैं कि उसमें वो खुद फंस रहे हैं। दर्शकों, कभी वो बदमाश की जाति देखते हैं, उसको दीवार बनाकर सियासत करते हैं, तो अखिलेश यादव कभी पुलिस प्रशासन खाकी पर सवाल उठा रहे हैं दर्शकों। जबकि योगी आदित्यनाथ अपने संकल्प को लेकर दृढ़ है, दृढ़ संकल्पित है, वो अपराध मुक्त प्रदेश बनाने की ठान कर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आप सोचिए दर्शकों, समाजवादी पार्टी कभी जाति ढूंढ रही है, कभी वो खाकी पर सवाल उठा रही है सिर्फ और सिर्फ सियासत के चक्कर में, तो आज सवाल है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जो उठते हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार अखिलेश योगी के हर फैसले के खिलाफ है, उस पर राजनीति करते हैं, उनसे ये सवाल पूछने जरूरी है। आप भी सुनिए सवाल ये कि अखिलेश यादव जी, आखिर आप साबित क्या करना चाह रहे हैं? क्या आपको अपराधी का अपराध नहीं दिखता है? आप मंगेश यादव के अपराध को नजरअंदाज कर जाति पर राजनीति कर रहे हैं? अगर आपको करना है तो बताइए, क्योंकि आप कह रहे हैं कि लुटेरों से लूट का माल किसने लूट लिया। अब सोचिए आप खाकी पर सवाल, आप कह रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो लुटेरे बनकर गए वो किसी के प्रतिनिधि थे, यानी आप उत्तर प्रदेश की पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं। आप सोच लीजिए, वही पुलिस जो आपके साथ भी रहती है, आपने भी इस पुलिस के साथ काम किया है, यूपी पुलिस को शक के घेरे में आप ला रहे हैं अखिलेश यादव। और अगर आप यूपी पुलिस के बहाने योगी आदित्यनाथ की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं तो सोचिए कि राजनीति में
स्तर कहां तक गिर जाएगा, ये सवाल खड़े हो रहे हैं दर्शकों। क्योंकि योगी का विरोध करते करते कितनी राजनीतिक रोटियां सेकी जाएंगी? आखिर समाजवादी पार्टी क्या चाहती है? क्या वाकई ये सब कुछ उपचुनावों के लिए किया जा रहा है? और आप सोचिए, जब समाजवादी पार्टी की तरफ से सवाल उठाए जाते हैं, जाति देखी जाती है, खाकी पर सवाल उठाए जाते हैं, तो बीजेपी जवाब दे रही है। सुनवाता हूं आपको क्या कह रहे हैं प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी। अखिलेश यादव जी हर प्रकार के प्रयत्न कर रहे हैं कि कैसे बदमाश अपराधी मंगेश यादव का बचाव किया जा सके। अब वो लूट के माल पर सवाल उठा रहे हैं। अरे भाई, अभी अपराधी सारे गिरफ्तार नहीं हुए हैं, कुछ अपराधी अभी बाकी हैं। वो अपराधी भी आपके अगर संपर्क में हो अखिलेश जी, तो उन्हें बता दीजिए सरेंडर कर दें, लूट का माल वापस कर दें, वरना कहीं मुठभेड़ हो जाएगी तो फिर आप छाती पीटने लगेंगे, आंसू बहाने लगेंगे, अपराधियों पर कार्रवाई होगी तो आपको दर्द होने लगेगा। देख लिया दर्शकों, जिस बदमाश मंगेश यादव के एनकाउंटर को लेकर अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं, उस एनकाउंटर की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए जा चुके हैं। सुल्तानपुर की डीएम ने इस जांच के आदेश दिए हैं और जांच करेगी एसडीएम लंबुआ। इसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सच सामने आ जाएगा दर्शकों। लेकिन सोचिए, तब तक इस पर राजनीति जारी रहेगी। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे दर्शकों, और आपको लेकर चलते हैं हरियाणा, जहां पर दंगल चल रहा है। लेकिन इस दंगल में एंट्री हो गई है ब्रजभूषण शरण सिंह की, और यह दंगल अब सियासी अखाड़े में तब्दील हो गया है। क्या हो रहा है, आइए जरा आपको बताता हूं। पूरा एक्सरे हमने किया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए दंगल शुरू हो गया है दर्शकों। तारीखों का ऐलान हो चुका है, टिकट बंटना शुरू हो गए, लेकिन इस रण में सियासी पहलवानों की एंट्री हो गई है। मैदान पुराना ही है, बस दंगल फिर से शुरू हो गया है दर्शकों। मैदान में वही सियासी पहलवान है जो कुछ दिन पहले सड़कों पर थे और प्रदर्शन कर रहे थे ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, जो बीजेपी के नेता है, सांसद थे। उस वक्त तो पहलवानों का राजनीति से कोई नाता नहीं था, लेकिन अब उन पहलवानों में से विनेश फोगाट, जिनकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, बजरंग पूनिया कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, यानी पहलवान से नेता बन गए। और इसलिए आज कहा जा रहा है, और हम भी पूछ रहे हैं, कि दंगल एक बार फिर से अब शुरू होने वाला है दर्शकों। और इस दंगल में ब्रजभूषण शरण सिंह की एंट्री हो गई, जिनके खिलाफ पहलवानों ने आरोप लगाए थे। वही ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि पहलवानों का आंदोलन आंदोलन नहीं था, बल्कि बहुत बड़ा षड्यंत्र था। और इसके पीछे मास्टरमाइंड आपको पता है कौन है? ब्रजभूषण शरण कह रहे हैं कि भूपेंद्र हुड्डा थे, और इसके बाद प्रदर्शन में राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ने एंट्री ले ली। ब्रजभूषण शरण सिंह ने आज बड़े और गंभीर आरोप लगा दिए, षड्यंत्र बताया है, साजिशन षड्यंत्र। क्या वो कह रहे हैं, सबसे पहले आपको वो सुनवाता हूं। हमारे खिलाफ एक षड्यंत्र था जिसमें मुख्य अदाकार का नाम है भूपेंद्र हुड्डा, और उन्होंने राहुल जी को भी विश्वास में ले लिया, उन्होंने प्रियंका जी को भी विश्वास में ले लिया, और एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया। ये लोग कहते हैं कि मैं लड़कियों के स्वाभिमान की लड़ाई मैं लड़ रही हूँ, और मैंने बड़ी बहादुरी से लड़ा है। झूठ, ये लड़कियों का आंदोलन नहीं है, ये कांग्रेस द्वारा प्रायोजित एक आंदोलन था, एक फैमिली और एक अखाड़ा, चंद लोगों का ये आंदोलन था। सुन लिया आप, ब्रजभूषण शरण सिंह ने आंदोलन के पीछे कांग्रेस का हाथ बताया, और विनेश और बजरंग को मोहरा बता रहे हैं।